Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Welcome back to the day 2 है. और ये हमारा ब्रेकफास्ट है. कर जो करना है तेरे को कर. ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके हम आज बिना नए ब्रेकफास्ट कर दो. पता नहीं भूख लगी है. ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलेगा सेट पे. आज बहुत लंबा दिन है. ज़्यादा शूट मोस्टली नहीं हो पाएगा. बोल के रखा है जितना होगा उतना ही देखो. बिकॉज बहुत हेक्टिक है. हम दो है मेन टीम से और दो लोग ऐड कर रहे हैं. मजा तो आएगा. मेरे को तो आएगा. तुम लोगों को पता. हाँ सभी काट करे वैसे तो. इसमें गैप नहीं मिलेगा. इसमें तो कौन सा इसको फाइन मिलेगा. तो अभी यहाँ पे मार्किंग्स लगाए जा रहे हैं ब्लॉकिंग एंड स्टेजिंग के अकॉर्डिंग कि पोजीशंस कहाँ पे होगा, मूवमेंट कहाँ पे होगा. ये हम लोग सिगरेट के डब्बे को कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे प्रॉप में जुगाड़. और यहाँ पे हो रहा है वैम्पायर वाला मेकअप. एक पेल लुक दिया था, मतलब कुछ इतना इंटेंस नहीं था. और इस मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरा फर्स्ट टाइम था. मेरे को अच्छा लगा इसका काम. एंड यहाँ पे फोटो को कॉफ़ी में डिप किया जा रहा है. विंटेज लुक देना. यूजुअली टी डिपिंग करते हैं पर यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी डिपिंग कर रहे हैं. और ये जो मेन शॉट था गिरना रहा ट्रांजिशन, उसका रिहर्सल चल रहा है. एंड यहाँ पे शूट चालू हो गया. यहाँ पे मैं 50mm यूज़ कर रहा हूँ EF माउंट विथ अडाप्टर. एंड यहाँ पे मेरे पास दो लेंसेज थे, एक 50mm प्राइम लेंस एंड सेकेंड था 24-105. मेरे को 16-35 F2 चाहिए था बट मुझे मिला नहीं. ये रेंट पे अवेलेबल था तो यहाँ पे ये एंगल पे 24-105 है जो वाइड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ. यूजली 16 लेता तो बहुत वाइड हो जाता. और यहाँ पे शूटिंग स्पेस फेवरेबल नहीं था आई गेस. बट वो लेंस मेरे को आगे काम आता जो तुम लोग देखोगे कि मेरे को क्या परेशानी हो रही. और ये सबसे हार्ड वनर था जिसको टेक्स लगे बट उतना नहीं जितना आगे जाके पता चलेगा. एक शॉट को बहुत लगे थे. और यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि शॉट अच्छा आ रहा था बट लास्ट में कुछ एरर हो गया था. फिर इसके बाद ये टीम ये शॉट में तो टीम का बहुत कोऑर्डिनेशन लग रहा था. एंड बहुत बार मेरे से भी मिस्टेक्स हुई यहाँ पे. जैसे मैं बैर फुट शूट कर रहा हूँ तो एक दो बार, मतलब एक बार मैं स्लिप हो गया था और वो शॉट बहुत अच्छा था. फिर ये फाइनल शॉट है जिसमें मैं शूज़ पहन के शूट कर रहा हूँ क्रिप के लिए. तो शूज़ वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग शायद ध्यान नहीं रखते. यहाँ पे पैकअप हो गया ये लोकेशन का फाइनली. फाइनली यहाँ पे पैकअप हो गया. टाइम हो रहा है 6:21. हम लोग ने थोड़ा लेट चालू किया था. 3 बज गए थे ना चालू करने को ऑलमोस्ट. एंड आज ये जो सिंगर है, गाना बंद करो 2 मिनट. ये जो सिंगर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वीडियो में. आपका क्या है, मतलब फीडबैक्स कुछ कैसा लगा काम करके? बहुत जबरदस्त लगा काम करके. मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है ये बंदा. अच्छा नहीं, ये बोलना जरूरी नहीं है. वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मस्त, मतलब मजा आया. नहीं बट मेरे को ये है कि ओवरऑल शूटिंग एक्सपीरियंस जैसा लोगों को लगता है कि सेट पे कैसा रहता है, म्यूजिक वीडियो का सीन है, मतलब लिटरली फट चुकी है क्योंकि इतना इजी नहीं होता जितना लग रहा था. और मुझे भी जो लग रहा था कि हो जाएगा फटफट बट नहीं. और हम लोग ने इतने ऑलमोस्ट 3 बजे से चालू किया है. मतलब चालू तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि बहुत पहले कर दिया था क्योंकि हम निकल गए थे घर से. कितने बजे? नहीं, मैं शूट चालू हुआ 3 बजे. और इतने 3 से 6 बजे बैकअप किया समझ लो. उतने इसमें हम लोग ने सिर्फ 1, 2, 3, 4 से 5 शॉट्स ही लिए. यस हाँ, 3 घंटे में हमने 4 शॉट्स लिए. वो भी स्टार्टिंग के शॉट तो ओवर लाइक 10 सेकेंड और 5 सेकेंड के थे. बाद में एक मेन शॉट था तो बहुत टाइम लगा ऑब्वियसली. लेकिन हाँ शूट अच्छा हुआ है. अमेजिंग. तो अच्छा शूट करना तो टाइम लेके करो. यस. तो अभी स्टूडियो से सीधा जम कट है यहाँ पे सूरत के रस्तों पे. अभी हम लोग खाना वगैरह सब हो गया है और वापस एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था. उसके बाद डिसाइड हुआ है कि क्या अभी शूट करना है बिकॉज ये आज ही शूट हो जाएगा और कल हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए. और क्या ही बोलूँ, ये होता है जब शूट करते हैं ना तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसी हालत हो जाती है. बट ये एनर्जी अभी है और जब शूट हो रही होगी तब कोई और एनर्जी निकलेंगी. तो ये कितने लोगों के साथ होता है मेरे को कमेंट में बताओ, अगर बताना है तो. ज़्यादा लोगों को बताना नहीं होता, सब होता सबके साथ है, बताता कोई नहीं है. तो ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस है. वहाँ पे ओम ऊपर एक छोटा सा लाइट स्पिल रोक रहा है तो फ्रेम पे ध्यान दिया करो. कहीं पे भी लाइट्स का इफेक्ट नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग एक SL यूज़ कर रहे हैं मेन लाइट सोर्स के लिए.
दूसरा तो यहाँ पे मैं कैनन यूज़ कर रहा हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं सोनी वाला बंदा हूँ और ये स्पेसिफिक शॉट के लिए मेरे को 1635 चाहिए था, बट कुछ नहीं मैनेज कर लिया, फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट जुगाड़, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। तो इतना कुछ इंटेंस नहीं था, स्टूल लेके दीवार को चिपका के मैनेज कर लिया था। और इस और क्या है मालूम, मैं एक्स्ट्रा शॉट शूट करके रखो क्योंकि ये शॉट जो है वो फिल्म वो म्यूज़िक वीडियो में एंड नहीं हुआ, बट हम लोग ने किया था शूट एक्स्ट्रा। अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे खून बना रहे हैं। खून बनाने का प्रोसीजर जिसको पता है वो मुझे बताओ, मैं मेरा प्रोसीजर नहीं बनाने। अभी यहाँ पे हम लोग ने ब्लड बना दिया है और ये टेस्टिंग चल रहा है, और हम लोग को थोड़ा थिक रनिंग ब्लड चाहिए था वैम्पायर्स वाली चीज़ों के लिए। इसमें लाल दिख नहीं रहा बट वो दिखेगा। ये धोने पे भी सेम वैसा ही दिख रहा है, एकदम मजा आ गया। ये हम निकल पड़े कार में शूट करने के लिए, कार के बैक सीट पे। यहाँ पे भी 1635 का ज़रूरत था, बट एज यूजुअल मेरे पास 24-105 और 50mm था। मैंने दोनों लेंसेज पे स्विच करके शॉट्स लिए और एंड अप हुआ हम लोग का 50mm वाला शॉट। ये शॉट है जिसको सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग को शूट करने के लिए लग गया। और भाई रात के 2 बजे हम लोग वेसु के रस्तों पे शूट कर रहे और बहुत टेक्स लगे और फाइनली अच्छा नहीं आ रहा था, और फिर फाइनली ये डिसीजन लिया हमने। और हमने सोचा कि यहाँ पे दूसरे एक्टर के साथ काम करते, बट इसका क्या हुआ ये तुम लोग खुद ही देख लो। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन ऑडियो सुनो क्योंकि उसमें ज़्यादा तुम लोग को मज़ा आएगा। और हाँ, मेरे साथ काम करने का थोड़ा एक डाउन साइड भी, एक आलिया पड़ती है। ये व्लॉग में बहुत मिनिमल वो इंसिडेंट शूट हुआ, अपन ये एक मिला है तो ये मैं डाल रहा हूँ। उसको वहीं पे देख लिया और गाड़ी यहाँ पे डाल दी। हाँ वो भी कर सकता हूँ क्योंकि फिर वहां से उतर के आ गए। मैंने पहले वही सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि आई मीन प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं, वहाँ भी गाड़ी रोक सकता हूँ, चलेगा। वहाँ पे अंदर गाड़ी रोक दो और वहीं से दरवाजा खोल के उतरू, है ना। तो खाली दरवाजा खोलू ना, उस पर कट, जैसे मैंने ये दरवाजा अंदर से खोला इतना किया ना, उस पर कट, ठीक है। फिर उसके बाद वो शॉट वहाँ कट और फिर उसके बाद वापस पहुंच जाएगा। अभी हम लोग ए टू हिल हिल मत 2:45 वेसु के सड़कों पर। अरे ये शॉट मिल गया, बट मैं सोच रहा हूँ और एक शॉट कैसा मालूम है, यहाँ पे गाड़ी रुका देंगे, यहाँ पे रुका देते और आप देख रहे हो ना, वो कैमरा से एक लेते कि वहाँ पे देख रहे, हाँ वो POV शॉट ले लेते। तो अभी हो रहे सुबह के 5:08, हम लोग का बैकअप 3:33 को हो गया था और अभी ये डेटा कॉपी पे लगा है। डेटा कॉपी पे लगने के बाद ये ऑलमोस्ट 1 घंटा कॉपी होगा, 64GB फुल है। और शूट पे ज़्यादा जो भी है वो मैं डाल दूँगा जो भी मेरे पास डेटा आएगा। फिर हम लोग वहाँ से गए खाने को और कल सुबह कि आप ऐसे फीचर मत दो यार मेरे बड़ा बहुत कट डालना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो अभी कल हम लोग निकल रहे हैं वापस मुंबई के लिए, दोपहर की कुछ ट्रेन है, वो सब मुझे पता नहीं है, सिर्फ 5 बजे की उतना पता है। कल थोड़ा सा अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब हमको सूरत घुमाएंगे तो घूम लेंगे, वरना बैठे रहेंगे एक दूसरे का मुंह देखेंगे। नहीं, इसमें वीडियो देखते रहेंगे। पर मैं न्यू ईयर के दिन कलर ग्रेडिंग का काम कर रहा हूँ बिकॉज वर्क डिमांड्स, और ये मेरा सेटअप नहीं शुभम भाई आएगा बिकॉज मेरा लैपटॉप का डिस्प्ले गया है और मैं कुछ नहीं कर सकता, वो साइड में पड़ा है मेरा लैपटॉप। अगर धुंधले नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वॉच इट, बाय बाय, स्टे सेफ, पीस आउट, हकुना मटाटा। सब्सक्राइब करो नए ब्लॉग्स के लिए।